आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहले ही एक वीडियो में आपको प्रमाण सहित बता चुका हूँ कि फेमस पाइथागोरस थ्योरम वास्तविकता में पाइथागोरस से पहले भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने दे दी थी। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण देगी और बताएगी कि क्या वास्तव में पाइथागोरस पर हिंदुओं का प्रभाव था, क्या उसके ज्ञान का स्रोत वास्तव में भारत था या ये केवल एक कपोल कल्पना मात्र है। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना, पर आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफली पाइथागोरस के विषय में कुछ बताना आवश्यक है। चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग पाइथागोरस। बहुत से लोग पाइथागोरस को सिर्फ एक मैथमेटिशियन के रूप में जानते हैं, परंतु पाइथागोरस मूलतः एक फिलोसोफर था जिसका जन्म 570 BC में एंशियंट ग्रीक सिटी सामोस में हुआ था। उसके स्कूल ऑफ थॉट को पाइथागोरियनिज्म कहा जाता है। यहाँ तक कि प्लेटो और अरिस्टोटल भी उसी से प्रभावित थे। पाइथागोरियनिज्म के मुख्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे: वेजिटेरियनिज्म, मेटेम्साइकोसिस अर्थात आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, फास्टिंग फॉर प्योरिफिकेशन, चास्टिटी यानी ब्रह्मचर्य, बिलीव दैट प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस एक्सेट्रा हैव सोल। ये सभी बिंदु पाइथागोरियनिज्म के आधार थे और ये सभी बिंदु उस समय ग्रीक्स के लिए नए थे और उस समय केवल भारतीय सनातन सभ्यता ही इन विचारों की द्योतक थी। अब आते हैं पाइथागोरस पर पड़े सनातन धर्म के प्रभावों की प्रामाणिकता पर। चैप्टर 2 एविडेंस बाय अपोलोनियस ऑफ त्याना। अपोलोनियस एक फेमस पाइथागोरियन फिलोसोफर था। अपोलोनियस के अनुसार पाइथागोरस को हिंदू फिलोसोफर्स ने ही ज्ञान दिया था। फिलोस्ट्रेटस ने अपनी पुस्तक द लाइफ ऑफ अपोलोनियस ऑफ त्याना के बुक 8 चैप्टर 7 सेक्शन 12 के पेज 339 पर अपोलोनियस को कोट करते हुए कुछ ऐसा कहा है: इट वॉज द डॉक्ट्राइन्स ऑफ नेकेड फिलोसोफर्स ऑफ इजिप्ट एंड वाइज मैन ऑफ इंडिया फ्रॉम whom पाइथागोरस एंड हिज सेक्ट डिराइव द सीड्स ऑफ देयर फिलोसफी। अपोलोनियस ने इंडियन सिविलाइजेशन को पाइथागोरस से कहीं अधिक प्राचीन माना था। द लाइफ ऑफ अपोलोनियस ऑफ त्याना के वॉल्यूम 2 के पेज 49 पर लिखा है: पाइथागोरस वॉज एंटिसिपेटेड बाय द इंडियंस लास्ट नॉट फॉर अ ब्रीफ टाइम बट फॉर एंडलेस एंड इनकैलकुलेबल पीरियड। चैप्टर 3 एविडेंसेस बाय टाइटस फ्लेवियस क्लेमेंस। टाइटस फ्लेवियस क्लेमेंस एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन थे जिन्हें क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। टाइटस फ्लेवियस क्लेमेंस ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था स्ट्रोमेटा, जिसके चैप्टर 15 के अनुसार पाइथागोरस ने दर्शन ब्राह्मणों से सीखा था। यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पाइथागोरस वॉज अ हियरर ऑफ ब्राह्मण्स। चैप्टर 4 एविडेंस बाय यूसेबियस ऑफ कैसारा। यूसेबियस ऑफ कैसारा एक रोमन क्रिश्चियन हिस्टोरियन थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम था प्रिपरेशियो एवेंजेलिका, जिसे प्रिपरेशन ऑफ द गॉस्पेल भी कहा जाता है। इस पुस्तक में वो पाइथागोरस की अलग अलग यात्राओं का वर्णन करते हैं। यूसेबियस के अनुसार पाइथागोरस को ब्राह्मण्स ने पढ़ाया था और पाइथागोरस को ज्योमेट्री अर्थमेटिक इत्यादि का ज्ञान भी यहीं से मिला था। चैप्टर 5 एविडेंसेस बाय वोल्टायर। वोल्टायर एक फ्रेंच इतिहासकार थे। वोल्टायर अपनी पुस्तक में स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि पाइथागोरस भारत आए थे। वोल्टायर 901 वॉल्यूम 29 पेज 134 पाइथागोरस द जिम्नोसोफिस्ट में अलोन सर्व एन इनकंटेस्टेबल प्रूफ दैट ट्रू साइंस वाज कल्टीवेटेड इन इंडिया। वोल्टायर ने यहाँ तक कह दिया था कि आई एम कन्विंस्ड that everything has come down to us from the banks of Ganges. Astronomy, astrology, metempsychosis, etc. It is very important to note that some 2500 years ago, at the least, Pythagoras went from Samos to the Ganges to learn geometry, but he would certainly not have undertaken such a strange journey had the reputation of the Brahmins' science not been long established in Europe. Chapter 6 Evidences by D.E. Smith. D.E. Smith एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन रहे हैं। उनकी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके दो वॉल्यूम हैं। इस बुक के वॉल्यूम 1 के पेज 72 पर वे कहते हैं, द एविडेंसेस ड्राइव्ड फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ पाइथागोरस पॉइंट्स टू हिज कॉन्टेक्ट विद ओरिएंट। His whole philosophy savors much more of the Indian than of the Greeks. तो आज हमें इतनी स्पष्टता तो मिल ही गई कि पश्चिमी हिस्टोरियंस भी पाइथागोरस के ज्ञान का स्रोत भारत को मानते हैं, पर ना जाने क्यों अपने ही लोग बोधायन जैसे गणितज्ञ का नाम तक नहीं जानते। पर आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्य में विजय थे। जय श्री हरि।